नमस्कार जोहार, आप लोग का स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से प्यार भरे गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको मालूम है, कल से हम लोग का यानी कि 3 तारीख से हम लोग का यज्ञ शुरू होने वाला है, 3 से लेकर 7 तारीख तक। तो चलिए अभी देखते हैं मंदिर में जाके कितना दूर तक काम हुआ, क्या क्या तैयारी हो चुका है और क्या क्या नहीं। तो बने रहिए शुरू से लेकर एंड तक। और आपको बता दें कि अब से मेरा कंटिन्यू ब्लॉग आएगा 3 से लेकर 8 तारीख तक, क्योंकि झारखंडी सांस्कृतिक प्रोग्राम है, उसमें सतीश दास जाने माने हम लोग का खुट्टा सिंगर सतीश दास जी आने वाले हैं। तो आपको सब मतलब मेरे चैनल के थ्रू आपको सब ब्लॉग्स देखने को मिलेगा, तो मिस मत कीजिएगा। और जो जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो चलते हैं अभी सुबह सुबह का वक्त और मंदिर की ओर, देखते हैं क्या क्या काम हो रहा है क्या क्या नहीं अभी। तो देखिए सुबह सुबह का वक्त और मंदिर आ चुके हैं। ये हम लोग का खूबसूरत मंदिर, यहाँ पर सब कमेटी लड़का लोग कल सोया हुआ था, क्योंकि सब सामान उमान का देखभाल करना है, इसलिए यहाँ मूर्ति है। उधर लाइट सब लगा हुआ है, उधर झूला सब लगा हुआ है, डीजे भी रेडी है। हम लोग का मंदिर, सो अभी देखिए मंदिर में आए हैं सुबह सुबह। यहाँ यज्ञशाला पेंट हो चुका है और वहाँ कलश सब रखा हुआ, उधर मेला का सामान सब झूला वूला सब लगने वाला, और हर ड्रैगन सब सब एरिया में मीना बाजार लगने वाला है। ये है हम लोग का ऑफिस, वो है पंडाल जहाँ स्टेज बनेगा। अब देखिए वहाँ मंदिर के लिए हम लोग बांस को कटा जा रहा है अभी, और वो मकसूद मियाँ का आज बर्थडे है। मकसूद मियाँ देखिए, अभी देखिए आज संडे का दिन है और हम लोग सब सुपर संडे में भी चंदा अभी घूमने आए हैं कुलटार बस्ती में सबको। यज्ञ के लिए झंडा एकदम लगा रहे हैं सबको, झंडा यज्ञ वाला ये अभी दोपहर का समय और सबके लिए खिचड़ी गर्मा गर्म खिचड़ी रेडी है, सबको यहाँ बैठ के खा रहे हैं। मेरा खिचड़ी, ये अभी मंदिर पास आ गए हैं यहाँ जागृत करने के लिए, और यहाँ देखिए कलश सब रखा हुआ है पूरा रेडी करके, देख सकते हैं 500 का कलश है। इधर सब बैठ के अभी कीर्तन माहौल, लाइट का डेकोरेशन हो गया है। वो रहा यज्ञशाला, वो रहा उछलने वाला, और उधर है पंडाल, उधर सब डेकोरेशन हो ही रहा है।
वो सब मूर्ति अभी लाया गया है।